आइए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स या बहुपद से संबंधित प्रश्नावली 2.3 है, जिसमें बहुपदों का भाग और शेषफल निकालना है। तो यदि आपको अच्छे समझना है तो हमारे वीडियो में बनी रहिए, बहुत छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, निम्न विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पीएक्स और जीएक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल दोनों ज्ञात करने हैं। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, पी एक्स की वैल्यू हमें दी है x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर, एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, और जो जी एक्स है उसकी वैल्यू दी है x स्क्वेयर माइनस 2। अब इसका भाग करना है तो बिल्कुल आसान है, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, इसका भाग करना है तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2। सबसे पहले हमने एक्स स्क्वेयर का भाग एक्स क्यूब में करना है, एक्स क्यूब में भाग करेंगे एक्स स्क्वेयर का तो हमें मिलेगा x। अब इसका ही मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी एक्स क्यूब माइनस 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 2x। अब इसको हमने क्या करना है, घटाना है, जो टर्म जिस टर्म के नीचे आएगा, यानी x का है तो x के नीचे लिखेंगे। यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एक्स स्क्वेयर नहीं है, तो माइनस प्लस इससे कट गया, तो माइनस के 3x स्क्वेयर इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस के 7x और ये एज इट इज उधर आएगा। अब हमें एक्स स्क्वेयर का भाग माइनस के 3x स्क्वेयर में करना है, तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के 3x, ओनली माइनस के 3। अब 3 इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 3x स्क्वेयर, 3 दूनी 6, प्लस का आएगा, प्लस के 6 आ जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट गए, क्या आ जाएगा 7x माइनस के 9, ये हमारा क्या हो गया शेषफल, और ये क्या है भागफल, तो दोनों ही मिल गए। अब अगला जो पार्ट है उसको देखते हैं, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है, पी एक्स की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, भागी करना है, तो जो पी एक्स है वो दे रखा है एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4x और प्लस 5। भाग जो करना है वो संख्या हमें दे रखी है, एक बार लिख के दिखा देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और माइनस एक्स, तो इसको पहले हमने अरेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। क्या है कि एक्स स्क्वेयर है वो तो सही जगह पर लिखा है, लेकिन जो माइनस एक्स है वो आगे लिख दिया, तो इसको हम पहले माइनस एक्स कर लेंगे और प्लस 1। अब हमने इसी को सॉल्व करना है, तो देखो देखते हैं उसी की तरह, सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का भाग एक्स की पावर 4 में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वेयर का गुणा करना है, यानी एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वेयर का एक्स के साथ गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, जो कि बिल्कुल बाहर लिखते हैं हम, क्योंकि इसमें कहीं भी एक्स की पावर क्यूब नहीं दिया है। अब एक्स स्क्वेयर का गुणा 1 में करना है तो ये आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वेयर, ये इसके नीचे है यानी इसके टर्म के बराबर है, तो इसी के नीचे लिख लिया माइनस माइनस और ये प्लस, इससे ये कट गया, माइनस के 3 और माइनस के 1, माइनस के 4 हो गए, माइनस के 4x स्क्वेयर, और ये वाला टर्म है इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि ये इससे बड़ी घात का है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस का एक्स क्यूब, माइनस 4x स्क्वेयर प्लस के 4x और प्लस 5, ये एज इट इज आ गया और ये भी एज इट इज आ गया। अब एक्स स्क्वेयर का भाग एक्स क्यूब में करना है तो हमें क्या मिलेगा, ओनली एक्स प्लस एक्स, इसका गुणा करेंगे तो एक्स का क्यूब आ जाएगा, और इसके साथ एक्स का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर, एक्स इंटू एक्स यानी माइनस के एक्स स्क्वेयर, और एक्स का 1 के साथ करेंगे तो प्लस का एक्स, माइनस प्लस और ये माइनस, ये कट गया, 4 माइनस के 4 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो माइनस के 3 एक्स स्क्वेयर, और ये 4 में से 1 गया तो 3x और ये प्लस का 5। अब एक्स स्क्वेयर का भाग इसमें करेंगे तो क्या आएगा, ओनली माइनस के 3 आ जाएगा, यानी माइनस के 3x स्क्वेयर, इसके साथ करेंगे तो माइनस के 3x और इसके साथ करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये वाला टर्म है, सॉरी ये प्लस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस और
प्लस का गुणा करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो इससे ये कट गया, प्लस करेंगे तो और ये माइनस और ये प्लस। अब यहाँ पर ये भी कट गया तो हमें शेष कितना मिल गया, आठ, एट हमारा इसका शेषफल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट, वो भी बिल्कुल आसान है। थर्ड पार्ट हमें दिया है, एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स, भाग करने वाली संख्या है वो है माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस के टू। अब इससे भाग करना है बिल्कुल आसान है, एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का माइनस के एक्स स्क्वेयर का भाग एक्स की पावर फोर में करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वेयर आएगा, इट मीन्स एक्स की पावर फोर, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के टू एक्स स्क्वेयर, तो माइनस और ये हो गया प्लस, तो इससे ये कट गया। अब इसको ही पहले लिखेंगे, यानी टू एक्स स्क्वेयर माइनस के फाइव एक्स प्लस सिक्स, अब इसका भाग इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस के टू, यानी माइनस के टू, तो क्या हो गया, टू एक्स स्क्वेयर, इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस के फोर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस और एक प्लस हो तो माइनस हो जाता है, माइनस और ये प्लस, ये कट गया तो कितना आ गया, माइनस के फाइव एक्स प्लस टेन, ये क्या हो गया हमारा शेषफल। क्योंकि हम जानते हैं जब या तो शून्य आ जाए या फिर इस भाजक से जो घातांक है वो कम आ जाए, ये शेषफल है और भागफल हमारा वो मिल गया हमें एक्स स्क्वेयर माइनस के टू। तो पहले क्वेश्चन के तीन पार्ट थे, ये तीनों कर लिए, आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, और ये समझ लिए हमारे वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तो आज के लिए।